बच्चा पार्टी बाय करो जा बाय ले हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बहुत मौज मस्ती कर ली दीदी के यहाँ पे, और अब घर जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों को भी नए व्लॉग देखने को मिले हैं, और अब अच्छा लगा यहाँ पे आकर थोड़ा, क्योंकि घर पे तो मन भी नहीं लग रहा था अकेले में, तो यहाँ पर आकर अच्छा लगा मुझे। और अभी मतलब मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं मेरे साथ ही ना, क्योंकि उधर कुछ काम है फिर गांव में, और गांव में से फिर वहाँ आ जाएंगे। तो अभी हमने ऑटो कर लिया है ISBT के लिए, और हरलीन को ऑटो में ही ना नींद आने लग गई थी, लेकिन इसे ना बहुत मुश्किल से वो संभाल के लाया है। मैंने कहा मंकी आ गए, इधर मंकी और सब, वरना अगर ये ऑटो में सो जाती ना, फिर ये बस में पूरी मतलब पूरी रास्ते हमें परेशान करती आती, और इसे तो बाइक पे या कुछ भी अगर कुछ भी वैसे बैठ जाती है इसे नींद आने लगती है। तो इसे ऐसी कुछ मतलब वो करा रहे थे कि देखो मंकी आ गया इधर, वो आ गया, ऐसे ऐसे करके इसे बहुत मुश्किल से रोका है। वरना ये लड़की तो बहुत ज़्यादा वो करती है, और इसने ISBT तक आने में ही मतलब हमारी हालत ख़राब कर दी थी। और जैसे ही ISBT पाए ना, तो ना ही मतलब बस गोद में रहती है, नीचे नहीं उतरती है बिल्कुल भी, बस गोद में रहती है। और गर्मी से इसकी बुरी हालत हो जाती है, और जैसे जैसे गर्मी लगती है बाप रे, मतलब अपना सिर हमारे मुंह पे मार देती है, नाक पे मार देती है, बुरी हालत। और जैसे नाक पे इसका सर लगता है ना, तो ऐसा मन करता है चिल्ला कर रोने लग जाए, बहुत तेज़ सर मारती है कभी कभी ना। सच बता रही है, हमें बहुत डर लगता है कि कहीं नाक वाक ना तोड़ दे हमारी, पता नहीं ऐसे क्यों करती है, गुस्से में ऐसे करती है, अपना सर दे के मार देगी हमारे मुँह पर। और जब बहुत गुस्सा आता है, और पता है मतलब सबके सामने से कुछ बोल भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, पर वो ये ना थोड़ा बहुत डांट देते हैं, लेकिन इसके ना थप्पड़ मारने का मन करता है ऐसी जगह पे। लेकिन ये बिल्कुल भी इसकी बदतमीजी ना बढ़ती जा रही है बिल्कुल, ये ना बहुत शैतान बच्ची बन गई। और अब देखो कैसे बैठे, क्योंकि मैं गोद में उठा उठा के मेरी हालत ख़राब हो जाती है इसे। तो भी मैंने सीट पर, मैंने कहा सीट पर बीच में बैठ जाए आराम से बाबा, मुझे यहाँ पर सुकून मिल जाएगा थोड़ा बहुत, वरना गोद में ही रहती है मेरी, बिल्कुल नहीं उतरती ऐसे। और ऐसी उसमें तो बिल्कुल भी नहीं कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इसे कुछ खाने को दे दिया आराम से खा ले, वो भी गोद में ही खाएगी नीचे बैठ के, मतलब कुछ नहीं कर रही थी, बस गोद में ही रहेगी ऐसे उसमें तो जाके ना, खेत में भी या कहीं भी देख लो, बस गोद में ही रहेगी ये लड़की। और अभी ये सो के उठ गई थी, और अभी मैंने कहा अब उधर चल जाए, क्योंकि जब से गोद में ले रखी थी ये, मैंने सो रही थी मतलब सो गई है, डेढ़ घंटे के आसपास सो गई थी। तो भाई सभी आ गए थे यहाँ पर ना, एक वो है रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे बस रुकती है मतलब घर के आसपास ही है वैसे ही, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बस रुकती है। और इसे तो बस ऐसे ही ऐसे आइटम ये दिखी चाहिए, फिर तो रोज चीखती इतना है, बहुत ज़्यादा चीखती है मेरी लड़की, सब बोलते हैं क्या करूँ अब। बट इसे थोड़ी जब बड़ी हो जाएगी, पता नहीं कभी सुधरेगी या नहीं भी सुधरेगी, या ऐसे ही रहेगी ये लड़की, कुछ भी हो मतलब बस लेना है तो बस लेना है ऐसा करती है। और पता है फिर इसने ये जो फ्रूट सी भी ना, तो इस पर पी नहीं जाती, फिर एक पाइप लिया इसके लिए तब जाके पिया, और अगर कुछ ना दो बाबरे फिर तो नीचे फ्रेश मतलब मिट्टी हो या कुछ भी हो फ्रेश हो, फिर तो नीचे ही लेट जाती है ये लड़की। तो गाइस, जो मतलब दिल्ली वाली जो बस थी बिजनौर जा रही थी, वो हम मतलब हम उतर गए थे क्योंकि रास्ते में है, और यहाँ से एक और बस मिलेगी, क्योंकि दिल्ली वाली जो बस थी वो उसने हमें यहाँ पर छोड़ दिया था, और यहाँ से हम दूसरी वाली बस पकड़ेंगे। और अभी यहाँ पर उसी बस का वेट कर रहे हैं काफ़ी देर तक, मतलब एक डेढ़ घंटा हम वेट किया तब जाके बस आई। और ऊपर से इतनी गर्मी, और गर्मी तो चल हम सहन कर सकते हैं, लेकिन जो हरलीन शरारतें करती ना वो मतलब मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता, ऊपर से गर्मी और ऊपर से ये लड़की, बाप रे बाप, बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। इतना मुझे गर्मी की उससे नहीं होता कि हाँ गर्मी हो रही है, लेकिन ये लड़की, जब ये लड़की परेशान करती है, बस इसका मुंह चलता रहना चाहिए, जब तक मुंह चलेगा जब तक ठीक है, लेकिन कभी कभी तो मुंह चलते चलते भी ये बेचैनी रहती है, परेशान रहती है, चिल्लाती है, और अपना सर हमारे मुँह पर मार देती है। और तो गाइस, यहाँ पर ना बस आ गई थी वो वाली, और बस में ये देखो बकरी बुकरी चढ़ा रखी थी ना, मतलब बस वाले ना इतनी बदतमीजी से बस चला रहा था ना,
पता नहीं लेट हो गया था इतनी, मतलब बहुत बुरी तरीके से, मतलब हमने उतारने भी नहीं वो कर रहा था कि उतर आराम से उतर जा। मैंने कहा बदतमीजी मत कर तू, बहुत वैसे ही इतनी दूर से ना ऐसे कुछ नहीं देख रहा, इतनी तेज़ बस चला रहा, खड्डे वड्डे कुछ नहीं देख रहा, बहुत तेज़ बस चला रहा था। मैंने कहा बदतमीजी अब मत कर, आराम से उतरने दे वरना चोट वोट लग जाएगी। क्योंकि ऐसे मतलब हमें आराम से, एक तो ऊपर से हल्डीन मेरे गोद में, और एकदम चलते चलते ऐसे थोड़ा ना उतर जाता है, डर लगता है कहीं गिर ना जाए। तो गाइस हमने वहाँ से बस में से उतर गए थे, और अभी हमने मतलब फ़ोन तो कर रखा है मतलब गांव में कि हाँ कोई आ रहा है वहाँ से हमें लेने के लिए बाइक पे। तो अभी इतना थोड़ा थोड़ा ना मतलब पैदल चल रहे थे, और वो आ गए थे हमें लेने के लिए बाइक पे। और यहाँ पर देखो आते ही सारे ये लाइट का इतना बड़ा वो होता है ना, जैसे ही हम कहीं जाते हैं लाइट पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। देखो पंखा मतलब चलता चलता फिर रुक जाता है, जैसे एक दो सेकंड के लाइट के लिए लाइट आती है फिर वो हो जाती है। तो गाइस अभी हम नहा लिए हैं और हलीन भी नहा चुकी है, बट अभी इसको ना नीचे सारे फर्श कितने मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो रखी, इसी वजह से मैंने इसे नीचे निकाल रही। इसी खिलौने में एक बार दे दिए, इस पर खाट पर मतलब गीला करके ना पोचा सा लगाया, वरना धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो गाइस तो इस वीडियो का तो मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना अब मैं कैसे मतलब पूरे घर को समेटती हूँ, धुलती हूँ। बहुत बुरी हालत हो रखी है क्योंकि घर की तो, और ये देखो धूल ना ऐसे दिख रही है ना, ये देखो पूरी धूल धूल ही धूल जम रखी है पूरे घर में। तो गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।